अस्सलाम वालेकुम आयत कर रही है स्त्री अनस के कपड़े पे। जुम्मा की तैयारी एक दिन पहले ही करके रख लेती है। हाँ आयत, आई स्त्री कर रही है। और यहाँ हमें बना रहे हैं दाल चावल बच्चों के लिए। है? हाँ, मेनू के लिए भी बना रहे हैं ना। बाकी सबका तो रोजा है, बच्चे दाल चावल खा लेंगे। है मेनू? भाभी धुल रहे हैं बर्तन, इस सैरी के बर्तन है। ये खड़ी है तैनूर। तैनूर, 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 तैनूर क्या हुआ? तैनूर हाय का, तैनूर इतना डेंजर हाय करेगी। ये बैठी है इसकी क्यूटी, ये दूसरी बैठी है। खड़ी है ऐश अपने बच्चों की देखभाल करते हुए। दाल रेडी हो गई है, शाम में भी चल जाएगी, बच्चे अभी खा लेंगे, शाम में हम लोग खा लेंगे। शाम में नहीं बनाते। और चावल भी रेडी है, ये चावल शाम तक चल जाएंगे, बाकी सैरी के लिए तो रोटी बनती है। फ्रूट्स भी आ चुके हैं, अनार और सेब और अंगूर का मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। चलिए तो अभी हो गया है नमाज का टाइम, नमाज पढ़ के मिलते हैं। चलिए तो अभी तैयारी कर लेते हैं कोफ्ते बनाने की। ये बोनलेस चिकन है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके स्ट्रेन करने रख दी थी। इसके बनाएंगे कोफ्ते और इसके बनाएंगे चिकन कांडी। और ये है, इसको बच्चों को फ्राई करके दे देंगे। तो मैं ये दोनों को अलग अलग पीस लेती हूँ और साथ ही साथ ये ग्रीन चिली है जो चॉप करके ग्राइंडर में डाल चुके हैं, इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी कोफ्ते में ऐड करने के लिए। इसको बस ऐसे ही रखना है, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ी क्रश रहनी चाहिए। ये मैंने ग्रीन चिली को अलग से निकाल ली हूँ। अब इसी ग्राइंडर में ये चिकन को ग्राइंड कर लेंगे। ये रेडी हो गया है हमारा। इसके साथ ही बना लेंगे कस्टर्ड। ये एक लीटर दूध है, इसमें जाएगा ये शुगर, एक कटोरी शुगर यानी कि एक कप। और इसमें ऐड कर देंगे ये वाला कस्टर्ड है। हटा तो कटोरी, कौन सा फ्लेवर है ये? फ्लेवर मुझे तो दिख भी नहीं रहा है। ये रहा वैनिला फ्लेवर डाल। अब इसमें ये ऐड कर देंगे। हाँ डाल देना, चम्मच चलाती रहना। अच्छा है, ये तो है, चम्मच चला जल्दी, गाढ़ा हो जाएगा पूरा। चलाती रहे चम्मच, हाथ पे तेरे कलर भी लग रहा है। नहीं छोटा और डाल। हाँ तो कोई बात नहीं है, छोटा इसको एक बॉईल आने देंगे।
फिर इसको ठंडा करने रख देंगे। कहाँ पे? ये सामने अपने घर में ही और कहाँ पे? ये देखो। और उसी के साथ मैं ये ऑनियन पीस लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ऐसे क्रश करना है बस। ये ले क्या है हम लोग चिकन कोफ्ते में डालने के लिए। और ये ऐश ने लेके आई है, ऐश और आयत ने चिकन कांडी, चिकन कांडी लाई है, सिर्फ कांडी लाई है, स्टिक लेके आई है, स्टिक ज़्यादा गाढ़ा हो इसको बस ऐसे ही क्रश करना है। हाँ देख, अब ये डाल देंगे कोफ्ते में। हाँ गाढ़ा हुआ नहीं। कोथमीर को भी थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे। ये भी इसमें ऐड कर देंगे। कसरत ठंडा होने भारी छोड़ दूंगा। हाँ छोड़ दे, फ्रिज में थोड़ी ठंडा होगा, बाहर ही होगा ठंडा। ये भी ठंडा है तो काई के लिए पूछती है फालतू की बातें तेरी। अपन वो भेज के प्लास्टिक, कौन सी प्लास्टिक? चिकन कांडी जिसमें मैंने कोथमीर ग्राइंड करी थी, उसी में चने भी पीस लेंगे कोफ्ते में डालने के लिए। अच्छा बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसका अच्छा फाइन पेस्ट बन गया है। आयत ने अंडे को नया शेप दिया, नया फेस दिया, इधर इधर अपनी शक्ल बना रही है। अभी कर लेंगे कोफ्ते बनाने की तैयारी। इसमें डालेंगे एक अंडा, ये जाएगा एक चम्मच चिकन मसाला, और इसमें ये क्या हो गया वो सैलन में डालूंगी। कह रहे दोनों तरफ से फाड़ के, इस साइड से आएगा ये, उस साइड से पैक कर दी थी फाड़ के। इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, हाँ बस, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा आधा चम्मच चाट मसाला, और इसमें जाएगा ये चने का पेस्ट 3 चम्मच। बाकी ये डालेंगे सालन में, ग्रेवी में। इसमें डालेंगे ग्रीन चिली भी गई है, ब्लैक पेपर भी गया है, थोड़ा बहुत रेड चिली की डालनी पड़ेगी, धनिया और हल्दी, हल्दी नहीं डालेगी। फ्लेक्स डालना, फ्लेक्स भी है वो भी डाल सकते हैं, कोफ्ते का कलर जो है अच्छा आएगा। और इसमें ऐड कर देंगे नमक, सॉल्ट, पता नहीं कितना डाल रही हूँ, ज़्यादा तेज ना हो गया रोज़ा है सबका, कोई टेस्ट करने वाला नहीं है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके बॉल का शेप दे देंगे। जा
आधी तो नहीं हल्दी मिर्ची नहीं है, हरी मिर्ची हाँ हरी तो रेड थोड़ी सी काली मेरी भी थोड़ी सी डाली, ज्यादा डाली नहीं है, एक चम्मच है। अपने घर में तीखे तो खाया जाता है, पानी पूरी की खुशबू आ रही वो मिर्ची और चाट मसाले भी होते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसकी बॉल्स बना लेंगे। है थोड़ा बिल्ली के लिए, माम बिल्ली के लिए होगा ना, मैंने रखा मिलता। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसकी मैं बॉल्स बना लूंगी और जब तक फिर ये भी मैरिनेशन कर लेते चिकन कांदी के। इसमें मैंने डाल दी वो एक अंडा, ये कलर गिर गया था जो मेरे ऊपर, और इसमें भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, इसमें भी जाएगा चाट मसाला और साथ ही साथ इसमें जाएगा चिकन मसाला। और इसमें क्या डालना था, इसमें जाएगा सोया सॉस, एक चम्मच नमक की आधी भी, इसमें जाएगा नमक, सोया सॉस में भी नमक है। थोड़ा कलर और डालेंगे, इसी के साथ ये भी डाल लेंगे बच्चों के लिए। ऐश वापिस अम्मी डालो ना मिर्ची, मिर्ची का पाउडर, इसमें डालेंगे मिर्ची, काली मिर्ची की डाल दी वैसे तो मैंने, काली मिर्ची का पाउडर डाल दी, थोड़ी और डाल दो। अब इसको मैरिनेट करके रख देंगे। जब तक इससे मैं कोफ्ते के बॉल्स बना लेती हूँ, इसको मैरिनेट करके रखती। इसमें मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई थी, और जाएगा इसमें ये मैंने ऑनियन फ्राई कर दी हूँ, ज्यादा नहीं करना है, पिंक रहने देना है इसको, और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। और ये जो कोफ्ते है ये फ्राई हो रहे हैं, क्या डल रहे हैं इनके पास, ये ऑनियन को मैंने फ्राई कर ली हूँ, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, थोड़ा पिंक रहने देना है। और ये कोफ्ते जो है ये फ्राई हो गए और बाकी के हो रहे हैं फ्राई, फिर इसका बना लेंगे सालन, इसको मैं पीस लेती हूँ। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें ऐड हो गया है ज़ीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी और ये बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च, दालचीनी डाल दो। अब इसमें डाल देंगे मिर्ची, अपने टेस्ट के हिसाब से हम लोग तीखा ही खाते हैं। और इसमें डाल देंगे ये ऑनियन का पेस्ट, डाल देंगे धनिया, हल्दी, बस
अदरक लहसुन डालू इसमें अम्मी, कोफ्ते में तो डाली थी मैंने, पहले डालने का इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। डाल देंगे अदरक लहसुन, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसी में अभी डाल देंगे बटाटा, है ना, नहीं डालेंगे अभी, गल गलेगा ना फिर, इसको थोड़ा सा भून लेंगे। और इसी में डाल देंगे और चने का पेस्ट जो थोड़ा कोफ्ते में डला है, बाकी का इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे नमक, और इसमें डाल देंगे कोफ्ते। वो भी डाल दो अम्मी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नहीं बस यही तो मैंने इसलिए इसमें काटी। अब इसमें डाल देंगे पोटैटो। आप चाहो तो ऐसा भी रहने दे सकते हैं थिक ग्रेवी, पर हम लोग इसमें डालेंगे पानी। डाल दो बस, क्या और पानी, हाँ अभी तो पकेगा। इसको 3 ग्लास के जितना पानी ऐड हो चुका है, अब इसको पकने देंगे बटाटा गलने तक, ऑयल ऊपर आने तक, स्लो पे रख देंगे पकने के लिए। ये मैरिनेट करके टाइम हो गया था, इसको मैंने स्टिक्स में लगा के रख दी। उसमें शिमला मिर्ची और टमाटो भी डलता है, बट मैंने वो ऐड नहीं की, सिर्फ ऑनियन डाल दी हूँ। और ये उसके साथ ही बनाएंगे ऑनियन की भजिया। ऑयल गरम हो रहा है, इसको फ्राई होने देते हैं अच्छे से। कांदे की भजिया रेडी हो रही है, ये रेडी हो चुकी है और थोड़ी सी बाकी है रेडी होने से। ये क्या है भाई, अच्छा वही है, ऑनियन की भजिया रेडी हो गई है। अब बन रही है मेंदू वड़े, बन रहे हैं लेकिन ये गोल शेप के ही बन रहे हैं, एस शेप नहीं देना चाहती है। बाकी ये फ्रूट की कटिंग हो रही है बस, फिर ये लास्ट में ये चिकन फ्राई हो जाएगी। अभी बनके तैयार है ये ऑनियन की भजिया है, और ये दाल वड़े, मेंदू वड़े, और ये चिकन फ्राई हो रहा है।
कस्टर्ड अच्छा ठंडा हो गया है, इसमें ये ऐड कर देंगे एप्पल, बनाना, ग्रेप और अनार। जल्दी मिक्स करें, चम्मच चम्मच कर दीजिए। मैं तो बना देंगे, सेव कर देंगे थोड़े से, तो 10 मिनट वहाँ काट के देख नीचे भी गिर गया है, धोके ला के कस्टर्ड रेडी हो गया है। हाँ ये मिंसा बैठी है आयत के साथ, है ना आयत, इधर बैठेगी पहले, हम लोग सब बैठेंगे। सालन भी रेडी हो चुका है, चलिए दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।